जीएसटी आने के बाद आज जो हम लोग का अननेसेसरी जो गाड़ियों में माल आता था उसमें बहुत सारे इश्यूज रहते थे, कच्चा पक्का रास्ते में अधिकारियों के द्वारा गाड़ियों को रोकना, फिर अननेसेसरी उस पर अदर एक्सपेंसेस होना, इस प्रकार की सारी चीज़ें थी। आज जीएसटी लागू होने के बाद ये सारी चीज़ें बंद हो गई और इसमें एक बहुत बड़ा जो हर स्टेट अपने हिसाब से अपनी टैक्सेशन पॉलिसी डिसाइड कर लेता था, कहीं महाराष्ट्र में जाओ तो ऑक्टर लग रहा है, गुजरात में जाओ कहीं कुछ और लग रहा है, मध्य प्रदेश में जाओ कुछ और लग रहा है। ये वन नेशन वन टैक्स के थ्रू ये सारी चीज़ें आज खत्म हो गई। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टिंग बहुत ईजी हुई है जीएसटी लगने के बाद। एक अधिकारी आज मोबाइल में जीएसटी के सारे बिल चेक कर सकता है, सारा वो सॉफ्टवेयर पर डला है। उसके बाद सेकेंडरी है ई वे बिल। ई वे बिल जब लागू हुआ था तो बहुत बड़ा एक हुआ था, हाउ कैन वी डू इट, हम काम कैसे करेंगे, ई वे बिल कैसे बनाएंगे। गवर्नमेंट ने इसके लिए सॉफ्टवेयर सिस्टम और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया वो सराहनीय है। आज ये स्थिति है कि व्यक्ति 5 सेकंड और 10 सेकंड में अगर उसका डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, सही है, तो 10 सेकंड में वो ये बिल मेंटेन कर लेता है एक व्यक्ति का। तो ये बहुत सुविधाजनक भी है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जब पूरा होगा तो आप मोबाइल में सिर्फ आपका एक यूनिक नंबर डालता है, उससे सारे डिटेल उसके मोबाइल पर अधिकारी को मिल जाती है। इसके कारण हमारी गाड़ियाँ हल्टिंग नहीं होती है, परेशानी से बचते हैं, अननेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं होते, ड्राइवर झूठ नहीं बोल सकता है कि साहब फलाने अधिकारी ने रोका या रास्ते में रोक लिया, मेरे पैसे मेरे को पैसा देना पड़ा, जो पहले भी है जो इस तरह की जो गलत फहमियाँ पैदा होती थी आज भी दूर हो गई। साथ ही साथ करप्शन फ्री हो चुके हैं, ये बहुत सराहनीय है। सरकार का जो कदम है बहुत सराहनीय है कि आज करप्शन नाम की चीज़ इस कम से कम इस फील्ड से तो बहुत दूर हो गई है।